हम काफी समय से जो है इस रेडियो का रिव्यू करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इस चैनल पे हमारी कोशिश होती है कि हम गलती से भी कोई गलत प्रोडक्ट आपको रिकमेंड ना कर दें, क्योंकि आपका नुकसान हमारा नुकसान है। तो इसीलिए हमने जो है 3 महीने इस रेडियो को अपने घर में यूज किया है, और इससे पूरी तरह सेटिस्फाई होने के बाद में ही हम आज आपके सामने इसका रिव्यू कर रहे हैं। जो भी इसमें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं वो आपके साथ जो है शेयर करेंगे आज। तो आइए मैं पहले आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ सारी की सारी, उसके बाद में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए इसका टॉप व्यू है, ऊपर से ऐसा लगता है, इधर से देखिए ये वुडन टेक्सचर दिखाई देता है, लेकिन ये प्लास्टिक है और अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। ये भी मेटल नहीं है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन कुल मिला के अच्छी क्वालिटी की लगती है सारी चीज़। इस तरफ से देखिए इसको, अभी बात करेंगे हम एक एक चीज़ की विस्तार से। इसकी बैक साइड है देखिए, ये इसकी इस तरफ वाली साइड है, इसका जो है बॉटम है। इस प्रकार से ये रेडियो दिखाई देता है आपके सामने। ये हैंडल है इसका, टोटल ये मेटल देखने से लगता है लेकिन मेटल नहीं है ये। ये भी प्लास्टिक है लेकिन अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। तो ये हमारा है आई बेल कंपनी का 3 बैंड का रेडियो। इसमें FM, AM और शॉर्ट वेव SW इसमें होते हैं। इसको हम जो है ट्यून कर सकते हैं, कोई स्टेशन लगाना है हमें FM का, AM का या शॉर्ट वेव का, जो कोई भी स्टेशन लगाना है तो हम इसको, ये ट्यूनिंग दी हुई है यहाँ पर देखिए, इससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। तो बहुत अच्छा फील देता है, जैसे पुराने रेडियो आया करते थे घरों में हुआ करते थे ट्रेडिशनल्स, तो बिल्कुल वही रेट्रो लुक है इसकी, और उसी प्रकार का इसका फील दिया गया है इस रेडियो का। इसका जो साउंड है उसको भी मोनो दिया गया है, स्टीरियो साउंड नहीं दिया गया, ताकि बिल्कुल वैसा ही फील हो हमें सुनने में भी, देखने में भी, और इसको ट्यून करने में भी बिल्कुल वैसा ही हमें फील दे जैसा कि हुआ करता था घरों में जो पुराने रेडियो। तो उस पूरी कोशिश की गई है इसमें उस प्रकार से जो है। बाकी जो कुछ चाइनीज रेडियो आते हैं मार्केट में, उसमें इन्हीं बटनों से FM वगैरह लगते रहते हैं, वॉल्यूम भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, ड्यूअल फंक्शन दिए होते हैं उसमें, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अच्छा बनाया गया है, इसके स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है कि ये इंडिया मेड है, जो इसके अमेजन की साइट पे लिखा हुआ है कि इंडिया का बना हुआ है ये, और लगता भी है देखने से। तो आइए अब हम इस तरफ, तो ये हो गया हमारा ट्यूनिंग, ये हमारे तीनों हमारे स्केल्स हो गए जिसको हम इससे ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं हम। देखिए ये है एक स्लाइडिंग बटन है, एक स्लाइडिंग बटन है जिससे हम जो है, अगर हम ब्लूटूथ या फिर ये हमारा पेन ड्राइव वगैरह सुनना चाहते हैं तो उसको यहाँ कर सकते हैं हम ब्लूटूथ पर, और फिर जो है FM, AW, SW वगैरह इसका हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक ये वॉल्यूम बटन दिया गया है, ये ऑन ऑफ भी है इसका, और वॉल्यूम को सेलेक्ट करने का भी, वॉल्यूम को कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो ये बहुत यूजफुल है। इसको फ्रैक्शनल में जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसको। तो इसकी लाउडनेस भी बहुत अच्छी है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा इसकी लाउडनेस भी, वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ एक पावर बटन यहाँ दिया गया, पावर सॉकेट है ये तो। और यहाँ पर देखिए पावर के, इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक ये हमारा सेल लगा सकते हैं इसमें, दो ये सेल की जगह दे रखी है, ये हम सेल लगा सकते हैं। पावर में तो बहुत ऑप्शंस दे रखी है इसमें, देखिए ये चार्जर है, ये चार्जर दिया गया है हमारा, इसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं, इससे चार्जिंग रेडियो है। और इसकी चार्जिंग इतनी अच्छी है कि अगर आप एक बार इसको फुल चार्ज कर लेते हो तो 1 से 2 दिन आराम से इसको यूज कर सकते हो, नॉर्मल वॉल्यूम पर, हाई वॉल्यूम नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम पर 1 से 2 दिन ये आपको धोखा नहीं देगा। बहुत अच्छा है ये, इसका चार्ज चलता है, तो इसको आप अप्रिशिएट करोगे इसके चार्जिंग को, एक बार फुल चार्ज होने के बाद में अच्छा बैकअप है इसका। तो इसको चलाने के लिए जो हमारे पास में, एक तो हो गया हमारा ये DC 5 वोल्ट का कोई भी आप अडेप्टर लगा सकते हैं, तो उससे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो बैटरी डालकर, सेल डालकर जो है दो, उससे यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको चार्ज करके जो है, जो इसमें इनबिल्ट बैटरी है उसका बैकअप भी अच्छा है, उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर ये इसके साथ देखिए लीड आई है, इसकी लीड है इसमें लगाने की, जो ये जो है यहाँ इसमें लग जाती है ये, इसको चार्ज करने के लिए। और इस लीड की क्वालिटी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की जो लीड है, इसको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ रेडियो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। आइए अब और इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने कहा कि इसमें जो है पेन ड्राइव की भी सपोर्ट दे रखी है,
और SD कार्ड हमारे जो मेमोरी कार्ड्स वगैरह होते हैं उसकी भी सपोर्ट है। हम इसमें लगाकर जो है उनको भी डाउनलोड करके उनमें गाने वगैरह वो भी हम इसमें सुन सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इसमें बटन्स दिए हुए हैं कुछ, ये मोड है, हमें किस मोड में उसको चलाना है, पेन ड्राइव के मोड है या कोई और मोड है, ब्लूटूथ वगैरह, वो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये हमारे प्ले एंड पॉज का बटन इसमें दिया हुआ है, गाने को स्टॉप करना है या दोबारा प्ले करना है तो ये आगे और पीछे करने के लिए अपने जो एल्बम है उसके गानों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन से ये अच्छे से काम करते हैं भी बहुत अच्छे से। तो आइए मैं आपको इसमें कुछ चला के सुनाऊंगा। इसका जो वेट है जो इसकी स्पेसिफिकेशन में है 860 ग्राम इसका वेट लिखा हुआ है, और है इतने का, ये इतने ग्राम का है बिना बैटरी के, बिना एक्सटर्नल बैटरी के इसमें अभी इस समय इसका वेट है। इसमें अगर सिग्नल रिसेप्शन में दिक्कत आती है तो एक टेलीस्कोपिक एंटीना दिया हुआ है, देखिए काफ़ी, देखिए कितना लंबा देखा एंटीना, देखिए है ना कितना लंबा एंटीना है टेलीस्कोपिक। तो बिना इसको यूज किए भी अच्छा सिग्नल पकड़ता है, इसकी रिसेप्शन अच्छी है सिग्नल्स की, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आइए इसमें कुछ चला के देखते हैं, कॉपीराइट इश्यू रहता है तो हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं जस्ट आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ, देखिए कुछ लगाते हैं, पहले इसको कर लेते हैं हम FM पे कर लेते हैं पहले, देखिए ये इसका फुल साउंड था। मैं इसका मिनिमम साउंड सुनाता हूँ आपको, देखिए कितना फ्रैक्शन में हम इसको जो है, बहुत मीठा साउंड है इसका जो है, बिल्कुल आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल रेडियो से वैसा ही है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं इसको जो स्टूडियो वगैरह बना दिया गया हो, तो बहुत प्योर वॉइस आती है इसके अंदर। ये चीज़ आपको इम्प्रेस करेगी, वो धम धम वाली जो आवाज़ें जो रेडियो में नहीं चाहिए वो नहीं आएगी इसमें। बेस नहीं है, मोनो स्पीकर से इसके, देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक सिंगल स्पीकर है देखिए इसमें यहाँ पर जो है, और इसकी जो 3 वोल्ट का है, वैसे तीन ती, दो बैटरी लगते हैं तो 3 वोल्ट का ही रेडियो है। देखिए मैं फुल साउंड सुनाता हूँ आपको, ज़्यादा चला नहीं सकते, कॉपीराइट इश्यू आ जाता है। तो इसकी ट्यूनिंग भी बड़ी आसानी से सेट हो जाती है, ऐसे नहीं कि हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है फाइन ट्यूनिंग करने में, बड़ा आराम से इसको मूव, फिर इसकी देखिए कितनी अच्छी फील है इसको लगाने की, बड़े आराम से स्टेशन इसमें सेट हो जाता है। अब आइए मैं आपको इसका ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ वगैरह चेक करते हैं। अगर मैं इसमें जो है इसको लगा देता हूँ पेन ड्राइव को, और इसको हम पेन ड्राइव के मोड पे करते हैं, तो देखिए और इसको ऑन करते हैं, म्यूजिक द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। तो इस प्रकार का ये जो है इसको लगाने से, जैसे जैसे हम इसको यहाँ करते हैं ये बोलना शुरू करेगा, म्यूजिक द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। देखिए कितना अच्छा साउंड है, देखिए इसका ना, ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। देखिए ब्लूटूथ इसका कनेक्ट हो चुका है मेरे मोबाइल में, तो मैं कुछ ब्लूटूथ से भी इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये जो है LED ब्लिंक हो रही है, मतलब हमारा पेन ड्राइव और या कोई सोर्स लगा हुआ है, तो इससे ज्यादा हम इसको नहीं चला सकते, कॉपीराइट इशू रहता है। जल्दी ही तुरंत ही ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, कार्ड वगैरह और पेन ड्राइव सपोर्ट तुरंत ही इसमें काम करने लगती है। इसका मॉडल नंबर जो है हमारा आईबेल का 700BT है, ये इस समय इसकी जो कीमत है अमेजोन पे 1500 रुपये की कीमत है, और अगर सारे गांव पर कारवा से आप इसको कंपेयर करें ये 1/4 रेट पे मिलता है, उससे चौथाई रेट पे, उसके चौथाई रेट पे अवेलेबल है। तो यही था हमारा एक प्रोडक्ट, आप अमेजोन से जो 1500 रुपये में इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसके साथ 6 महीने की वारंटी आती है और एक्सटेंडेड वारंटी और प्लस में 6 मंथ्स की मिलती है इनकी, अगर आप इनकी साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ इनकी एक मुझको जो है कमी लगी जो मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी की, जब आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये फोर्स करते हैं कि आप अमेजोन पर जाके जो है एक रिव्यू डालिए अच्छा सा, तभी आपको वारंटी मिलेगी। तो आप उसमें थोड़ा उनसे बातचीत करके जो है आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो आप उनसे वारंटी ऐसी मांगिए, ये थोड़ी इस कंपनी की हमें कमी लगी, अदरवाइज इसमें प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये। थैंक यू।